सब्सक्राइब कीजिए बीइंग डॉक्टर चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हे गाइस, व्हाट्सअप, दिस इज ईशान एंड यू आर वाचिंग माय चैनल बीइंग डॉक्टर। सो गाइस, आई होप यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जाम्स। आपको बता दूं, ओनली 6 मंथ्स आर लेफ्ट फॉर नीट 2020। हाँ गाइस, केवल 6 महीने बचे हैं नीट के लिए 2020 में। तो गाइस, कईयों के दिमाग की घंटी बज जाती है यार, ओनली 6 मंथ्स आर लेफ्ट। इतना सारा सिलेबस कवर करना है, इतनी सारी बुक्स ले रखी थी वो भी पढ़नी है, बोर्ड्स आ रहे हैं, टेस्ट सीरीज चल रही कोचिंग में, काफ़ी नर्वसनेस हो जाती है, काफ़ी टेंशन हो जाती है। हाँ गाइस, ठीक है ना। तो यार, ऊपर से ही अपना जो आसपास का फ्रेंड सर्किल होता है, ओरा होता है आसपास का, वो और टेंशन बढ़ाता है। क्या यार, आशीष ने कहा था ये बुक कर रहा हूँ, आशुतोष कह रहा है ये बुक कर रहा हूँ, मयंक कह रहा है ये बुक कर रहा हूँ। यार बेसिकली इन सब लफड़े में नहीं पढ़ना है। ये 6 मंथ्स है ना, आपके लिए काफ़ी रैंक डिसाइडिंग होते हैं, सेलेक्शन डिसाइडिंग होते हैं। आप आराम से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, मैं तो कहता हूँ यार एम्स और जिपमर तक क्रैक कर सकते हो। एम्स और जिपमर भी, क्योंकि आजकल नीट से हो गया, तो यार अच्छा रैंक लो, अच्छी अच्छे कॉलेज में जाओ, एम्स में जाओ, जिपमर में जाओ, अच्छे मार्क्स आएंगे तभी तो होगा। तो ये 6 मंथ्स आपका सिलेक्शन डिसाइड करने के लिए हैं। कोई बात नहीं यार, पिछले 4-5 महीने चले गए किसी भी कारणवश होते हैं, कोई जो है ध्यान नहीं रहता, थोड़ा टेंशन कम होती है, किसी का किसी कारणवश जो है होता होता रह जाता है, वो भी थोड़ा फैक्टर होता है। तो गाइज कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा, आपने सुना ही होगा, जब जागो तब सवेरा। अब ये 6 महीने जो नेक्स्ट आपके सामने आने वाले हैं, ये काफ़ी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यार। अब ये मान लो कुछ दिन दिवाली का जो थोड़े बहुत दिन मान लो, उसके बाद तो यार जो है नवंबर से आपका जो काफ़ी टेंशन तो क्या लेनी है यार गाइज, आप काफ़ी इम्पोर्टेंट जो आपका टाइम जो शुरू हो जाएगा नवंबर से बेसिकली। तो गाइज ये आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको काफ़ी कंसाइज होकर पढ़ना पड़ता है, सब कुछ नहीं पढ़ सकते आप, ठीक है। आपको कह दूं कि यार अब आप बायोलॉजी की ट्रू मार्क्स लेके पढ़ें, वो आपको मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। ट्रू मार्क्स लेकर यार आप अब पढ़ोगे तो यार पता नहीं सिलेबस कब कवर होगा, वो कवर करनी होती है 11th से जब आप रेगुलर स्टडीज कर रहे हैं तब आपको करनी होती है। तो गाइज इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि क्या वो जो है बुक्स आपको फॉलो करनी चाहिए इन 6 मंथ्स में, ताकि आप 650+ यार काफ़ी होते हैं, बहुत अच्छी रैंक आ सकती है, बहुत अच्छा कॉलेज मिल सकता है, मैं चाहता हूँ एम्स मिल जाए, ठीक है। तो गाइज इस वीडियो को पूरा देखिए, ये सभी के लिए है, चाहे वो आप अभी 12th के साथ अपियर होने वाले हैं, चाहे आप ड्रॉप ले रहे हैं, चाहे आप कोचिंग इंस्टीट्यूट जा रहे हैं, या फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ये सभी के लिए आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो गाइज आपसे वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ यार प्यार दिखाते हुए आप सब्सक्राइब कर दीजिए यार, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई रुपया तो लगता नहीं है सब्सक्राइब करने का, ऊपर से आप आजकल फ्री में मिलता कहाँ है यार कुछ, ठीक है ना। तो यार ये जो कुछ अच्छी नॉलेज वाली चीज़ें होती है फ्री में मिल रही है, तो सब्सक्राइब करने के लिए कुछ नहीं जा रहा, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले बता देता हूँ बायोलॉजी के लिए आपको क्या फॉलो करना है। तो गाइस सीधी सी बात है, बायोलॉजी में और कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, क्लियरली NCERT इज द बाइबल फॉर बायोलॉजी। सभी बताते हैं, मैं भी बताता हूँ कि बायोलॉजी की NCERT बहुत 11th एंड 12th दोनों के लिए आपको ओनली NCERT अगर आप करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा स्कोर आप अच्छा कर सकते हैं केवल NCERT पढ़कर, ठीक है। कहते हैं कि सरकारी माल यार कैसा होता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि यार ये जो सरकारी माल है NCERT बायोलॉजी की, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छा लगता है मुझे कि सारी बुक्स, मेरे काफ़ी सारी बुक्स ली थी रेफरेंस बुक, वो एक तरफ और NCERT एक तरफ। मैं NCERT से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, मैंने काफ़ी सारी बार इसका रिविजन किया है, 5 से 6 बार एटलीस्ट। आपको भी मैं यही सजेस्ट करूंगा कि 5 से 6 बार एटलीस्ट आपका अच्छे से रिवाइज होना चाहिए। आप जब भी NCERT पढ़ोगे कुछ ना कुछ आपको नया निकल के जरूर आएगा। एक जो है अंडरलाइन कर लीजिए, ताकि आपको रिवीजन में बहुत अच्छे से हेल्प मिल सके। कैसे रिवीजन करना है अच्छे से, उसका ऑलरेडी एक मैंने वीडियो बना दिया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो गाइज NCERT बात कर लेते हैं कि यार NCERT की बात हो गई, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन तो यार अगर आप जो है किसी कोचिंग का मटेरियल लेते हैं तो यार वहाँ का मॉड्यूल लगाइए, मॉड्यूल में जो क्वेश्चन देते हैं प्रैक्टिस, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए, और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो आपकी NCERT आप पढ़ रहे हैं उसके क्वेश्चन, जो उसके अंदर का एक एक लाइन में जो क्वेश्चन बनाया हुआ है वो NCERT एट फिंगर टिप्स, मैंने भी यही पढ़ी थी,
तो मैं सजेस्ट करता हूँ, काफी अच्छी बुक्स है इसमें। एनसीईआरटी हर लाइन से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिल जाएंगे और कॉन्सेप्ट बेस्ड भी जो आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स एक एमटीजी की बुक आती है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं तो काफी डिस्काउंटेड रेट में मैंने आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से ले सकते हैं, और आप ऑफलाइन भी अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। और एनसीईआरटी भी आप का होगी ही वैसे, पर मैं लिंक में जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर ले सकते हैं। तो बात कर ले तो, और हाँ अगर आप और भी अच्छा करना चाहते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी काफी सफिशियंट होती है, लेकिन कहते हैं ना रैंक चाहिए, रैंक एम्स के लिए रैंक चाहिए। तो क्या है कि यार कोचिंग जो आप ले रहे हो, ठीक है, नहीं ले रहे हो तो आप जो है काफी अच्छी जो है बुक्स भी फॉलो कर रहे होंगे, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोचिंग ले रहे हो तो कोचिंग के नोट्स लगाइए, मॉड्यूल लगाइए, तो काफी मतलब मैं कहता हूँ कि यार कोई भी नहीं रो सकता। आपको 360 के जो है बायोलॉजी का पोर्शन होता है 360 मार्क्स का, 350+ आराम से आ सकते हैं, और आते भी हैं, काफी बच्चों के आ जाते हैं, ठीक है। तो ये 6 मंथ्स यार काफी है, ठीक है, और प्रीवियस ईयर पेपर लगाते जाइए ताकि आइडिया आता जाए। मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि यार 1996, काफी बच्चे मैं देखता हूँ कि यार यूएसएस ले आते हैं, एरलेस और पता नहीं एमपीपीएमटी, केसीसीपीएमटी, 1990, 1999 वाले क्वेश्चन करते हैं। मैं कहता हूँ कि यार अपडेटेड रहिए, क्योंकि आप लेवल थोड़ा चेंज हो गया है क्वेश्चन पूछने का, तो एनसीईआरटी की बायोलॉजी का पोर्शन होता है। नेक्स्ट आप जो है फिजिक्स द मोस्ट जिस डेयरिंग जो मतलब सब्जेक्ट है, जो बच्चों को काफी ज्यादा जो टेंशन का जो सब्जेक्ट होता है वो फिजिक्स है यार। फिजिक्स इज ऑल अबाउट नॉलेज, ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट। तो यार एनसीईआरटी से आप डायरेक्ट शुरुआत नहीं कर सकते हैं फिजिक्स को समझने की, या तो आप यार आप एक कोचिंग जो ट्यूटर आप काफी अच्छा जो फिजिक्स अच्छे से सर मतलब पढ़ाते हो या कोचिंग आग ले रहे हैं तो वो ठीक, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप जो है सेल्फ स्टडी पे विश्वास करते हो, मैं कहूँगा कि यार एचसी वर्मा ये बहुत अच्छी बुक है, काफी सारे जो टॉपिक्स है इसमें बहुत अच्छे से समझा रखे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं उन टॉपिक्स का पर एक वीडियो बनाऊंगी जो आपको एचसी वर्मा से एक्सक्लूसिवली वहां से पढ़ने चाहिए, तो आप कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। और एचसी वर्मा तो ठीक है, बहुत अच्छी बुक है, लेकिन अब बात आती है कि फिजिक्स में कैसे स्कोर होता है। फिजिक्स में का एक ही फंडा है कि आप सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव खूब लगाओ, उस पर काफी सारे क्वेश्चन लगाओ, सिर्फ एक ही फंडा है, सभी यही बताते हैं, टॉपर्स भी यही कहते हैं। तो उसके लिए क्या है, ऑब्जेक्टिव के लिए आप ठीक है कोचिंग का मटेरियल तो है ही, कोचिंग के टेस्ट जो ले रहे हैं रेगुलरली, क्या है कि वहां पर तो काफी मतलब अपडेटेड जो है क्वेश्चन आते हैं, और साथ में क्या है कि एमटीजी की जो बुक्स आती है वो भी अच्छी है, उसका भी मैं लिंक दे दूंगा, वहां से ऑनलाइन ले सकते हैं। और साथ में आती है जो है फिजिक्स के लिए डीसी पांडे, काफी अच्छी बुक है यार, बहुत मैंने भी ली थी, और शायद काफी सारे स्टूडेंट्स ये फॉलो करते हैं, तो उसका भी लिंक मैं आपको दे रहा हूँ। डीसी पांडे ऐसी बुक है यार, उसका लेवल वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं, मतलब पहले शुरुआत धीरे धीरे मतलब इजी इजी, फिर नेक्स्ट होते होते काफी अच्छे कॉन्सेप्ट बेस्ड जो एम्स में जेई के लेवल के क्वेश्चन उसमें दिए हुए होते हैं। तो डीसी पांडे काफी अच्छी बुक है, अगर आप ज्यादा चाहें तो इरिडो भी कर सकते हैं, पर मैं सजेस्ट नहीं करूंगा इस मंथ में, काफी अच्छी मतलब वो जेई लेवल के जो एडवांस लेवल के काफी अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं, वो एम्स के लिए मैं बताता था, लेकिन देखते हैं इस बार एम्स का थोड़ा जो है एग्जाम नीट के साथ हो रहा है, तो ठीक है, तो आप इतना करिए, डीसी पांडे लगाइए, बहुत अच्छी बुक है। साथ में जो है प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो तो है ही है, मतलब आप स्टिक कर लीजिए कि हर सब्जेक्ट में प्रीवियस ईयर पेपर के बिना तो कोई मतलब एग्जाम क्रैक हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं रहेगी कि किस तरह के लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव को खूब अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो डीसी पांडे और एचसी वर्मा, ठीक है, फॉर बोर्ड्स के लिए भी अगर आप चाहते हैं तो, यार बोर्ड्स के भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा, एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक आती है, ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ले लीजिए, उसमें भी काफी कॉन्सेप्ट बेस्ड कॉन्सेप्चुअल आपके क्वेश्चन है वो काफी अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बस इतना ही करना है फिजिक्स में जाते। तो गाइज नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की सब्जेक्ट की, काफी रिलैक्सिंग सब्जेक्ट होता है, लेकिन अगर अच्छे से नहीं पढ़ाई करी तो काफी नेगेटिव मार्क्स भी इसमें ही आते हैं। तो गाइज मैं इतना कैसे जानता हूँ, क्योंकि यार मैंने भी ये एग्जाम दिया, मैंने भी ड्रॉप लिया है यार, क्योंकि 12th के साथ नहीं हुआ था, तो यार जो गलत जो मिस्टेक्स मैंने की थी, मैं नहीं चाहता कि आप भी वो करो, तो यार जो है इसलिए मैं ये बता पा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो
तो केमिस्ट्री में जो इनऑर्गेनिक का अगर मैं बता दूं, इनऑर्गेनिक के लिए ओनली एंड ओनली एनसीईआरटी पर ही फोकस कीजिए। एनसीईआरटी के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, ये मतलब मैं कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी से बाहर नहीं आएगा, सच में नहीं आएगा। और अंडरलाइन कीजिए हर एक इम्पोर्टेंट थिंग को, ताकि आप फाइनल जो आपके एग्जाम से पहले आप उसे अच्छे से रिवाइज कर सको, ठीक है। तो एनसीईआरटी आपको काफ़ी अच्छे से पढ़नी है इनऑर्गेनिक की। और प्रीवियस ईयर पेपर कैसे एनसीईआरटी से कैसे क्वेश्चन, सीधा सीधा तो उठ के नहीं आता, कभी कभी कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड भी आ जाते हैं यार, पर वो एनसीईआरटी में अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना वहीं से ही मिलेंगे, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर पेपर भी लगाइए उसके, और आपके जो कोचिंग के जो टेस्ट सीरीज, हाँ आप टेस्ट सीरीज जरूर लीजिएगा। इससे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो भी आपको टेस्ट सीरीज लेनी ही है, किसी भी कोचिंग का अच्छे से ले लीजिए। मैं सजेस्ट करूँगा आकाश ले लीजिए, एलएन की टेस्ट सीरीज, आकाश का AIATS काफ़ी अच्छा होता है यार, काफ़ी अच्छा होता है, उसमें जो है इनऑर्गेनिक काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो आप ये लगा लीजिए के कोचिंग के, और प्लस जो है ऑब्जेक्टिव जो बुक्स आती है मॉड्यूल्स, अगर आप कोचिंग जा रहे हैं तो मॉड्यूल्स कोचिंग के फॉलो कीजिए। और जो है इनऑर्गेनिक के लिए एक्चुअली एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो ऑर्गेनिक MTG की बुक आती है, उसका लिंक मैं आपको दे रहा हूँ। और ऑर्गेनिक के लिए आप OP टंडन जो है पढ़ सकते हैं, ऑर्गेनिक के लिए MS चौहान काफ़ी अच्छी बुक होती है ऑर्गेनिक के लिए, उसमें काफ़ी अच्छा GOC का पोर्शन दे रखा है, काफ़ी अच्छे MCQs मिल जाएंगे। तो गाइज फिजिकल केमिस्ट्री के लिए OP टंडन ही सफिशियंट है शायद, काफ़ी सारे स्टूडेंट यही फॉलो करते हैं, तो इतना मतलब काफ़ी है। और NCERT, हाँ गाइज NCERT आपको ऑर्गेनिक के लिए भी करनी है, इनऑर्गेनिक के लिए भी करनी है, फिजिकल के लिए आप जो है अच्छा मतलब मॉड्यूल में अच्छा मटेरियल है तो ठीक है, NCERT ठीक है मतलब काम चल जाता है, लेकिन आप अच्छे MCQ की प्रैक्टिस करिए फिजिकल के लिए। तो गाइज बस ये तीनों सब्जेक्ट के लिए मैंने कुछ बुक्स बताई है, ये हो सकता है कुछ बुक्स में से छूट गई हो और कुछ बुक्स जो है मैंने सजेस्ट की हो जरूरी नहीं हो। तो गाइज जो है ये बेसिकली कुछ इम्पोर्टेंट जो बुक्स होती है, मैं नहीं कह रहा कि यही बुक पढ़नी है गाइज, ये कुछ इम्पोर्टेंट है जो हर एक मतलब जो मेडिकल प्रिपरेशन जो स्टूडेंट करता है, जो टॉपर्स होते हैं वो यही बुक फॉलो करते हैं बेसिकली, लास्ट मोमेंट पे। ऐसे काफ़ी काफ़ी अच्छी बुक्स होती है जो आप, पर अभी जो है काफ़ी कंसाइज, आपके पास टाइम पीरियड काफ़ी मतलब छोटा वक्त है आपके पास, 6 महीने में आपको पूरा सिलेबस करना है, स्कोर भी करना है, रैंक लाना है, सिलेक्शन लेना है और डॉक्टर बनना है, ठीक है। तो गाइज कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट में लिखिए, और जो है आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। गाइज एक चीज़ और बतानी थी, हमने हमारा टेलीग्राम चैनल बना दिया है बीइंग डॉक्टर ऑफिशियल नाम से, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। आप टेलीग्राम ऐप अगर आपके पास डाउनलोड नहीं है तो इंस्टॉल कीजिए, वहाँ सर्च कीजिए बीइंग डॉक्टर ऑफिशियल, और नहीं अगर डाउनलोड करने के बाद मैं आपको लिंक दे रहा हूँ वहाँ से भी आप जा सकते हैं, तो आप वहाँ से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। गाइज अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, थैंक यू।